ओके ओके। हे दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। फ्लावर हॉर्न और ऑस्कर को हाई कह दीजिए। आज का वीडियो मैं कॉन्टेक्स्ट बोल देता हूँ। मेरे कॉलेज में 2-3 जूनियर है जो कोलकाता के बाहर रहते हैं, तो वो लोग कोलकाता में आए हैं एंड दे आर सेइंग मी कि भैया मीट कीजिए। और व्लॉग इसीलिए बना रहा हूँ, एक जूनियर है जीत, उसके पास एक सुपर बाइक है, सुपर बाइक देखने जा रहा हूँ एक बंदे के पास। और व्लॉग ना करूँ ऐसा क्या हो सकता है, तो जाएंगे। सुपर बाइक क्या है आप लोग तो देख ही सकते हो, थंबनेल में मैं दे ही दूंगा। राइड भी करेंगे सुपर बाइक और कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो भी बोलूंगा, और जो यूज कर रहा है सुपर बाइक पास्ट 4-5 मंथ्स रहा है उसका भी रिव्यू ले लेंगे कि बाइक कैसा है। अगर फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो हम भी खरीदेंगे। तो चलिए डायरेक्टली मिलते हैं, पहले बाईपास पे मीट करेंगे, फिर जाएंगे न्यू टाउन और उसके बाद राइड करेंगे सुपर बाइक। ब्रो पे नाइट सेटिंग करके तो मैं निकल चुका हूँ और मुझे रत्ती भर भी आइडिया नहीं है कि वीडियो कैसा आ रहा है। वैसे कोलकाता का जो स्ट्रीट लैम्प्स है वार्मर टोन है, येलो लाइट है, इसलिए मैंने अपने गोप्रो में कूलर टोन सेट करके रखा है। अभी तो फिलहाल पता नहीं चलेगा कि कैसा आ रहा है वीडियो, वीडियो जब एडिट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा। इतना लंबा ट्रैफिक है, कब से खड़ा हूँ यहाँ पे। ये रहा जीत और उसका बीस्ट, ये है ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट्स 660, नॉट 650, ये 660 वाला वेरिएंट है। इसका ऑन रोड इसको पड़ा 10,50,000, मतलब क्रेजी प्राइस है इसका। मुझे नहीं लगा था कि वो 660 का प्राइस इतना हो सकता है। लुक एट दिस ब्यूटी, पीछे से टायर इतना बड़ा है इसका, करके आवाज़ दे रहा है वो। सुजुकी का बैक मतलब जो रियर व्हील है वो भी बड़ा है बहुत, बट इसके सामने वो एकदम बच्चा लग रहा है। तब चलाएगा ट्रायम्फ टाइगर 660 स्पोर्ट्स। ये है इसका फ्रंट लुक, मुझे वैसे स्पोर्ट्स बाइक पसंद नहीं है फिर भी मैं चला रहा हूँ। यार ये भी स्मूथ बाइक है वो देखो, अरे धीरे धीरे। कुछ तो बोल रहा है कि बहुत टान है बाइक का, मतलब बहुत ही हाई पिकअप बाइक है, वो तो होगा ही, सुपर बाइक है। वो इम्पॉसिबल है उसको पकड़ना, लेकिन इस बाइक पे भी बहुत दम है यार। इंजन सेम है, मेरे और इस बाइक का इंजन ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली ये BS4 वाला वेरिएंट है और मेरा वाला BS6 वाला वेरिएंट, तो इसमें पावर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जीत ने कहा अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया मुझसे, तो जीत ने अभी तक 180 तक अपना बाइक चलाया है, उसके ऊपर नहीं चलाया है क्योंकि उसको भी थोड़ा सा डर है, नया बाइक है कैसे वो मैनेज कर पाएगा, इसीलिए 180 से ऊपर वो खींचा नहीं है अभी तक। बीस्ट नाउ, ये रहा उसका कीरिंग, सेक्सीस कीरिंग है इसका। और ये रहा ये बाइक, देखने में ख़तरनाक लग रहा है। ये देखो यहाँ पे एक लाइट फ्लैश हो रहा है, ये एंटी थेफ्ट कुछ इसका टेक्नोलॉजी है। बाप रे बाप, बाइक का साउंड क्या है, ये व्हीली हो जाएगा मेरे से, ये मेरे से व्हीली हो जाएगा अभी। सी
सीरियसली मैन, क्या पावर है इसमें। एड्रेनलिन रश एकदम छप्पड़ फाड़ रहे हैं मेरा। बीस्ट मैं कोई फीलिंग्स ही नहीं है क्या। क्रेजी बाइक। ब्रो थर्ड गियर में 107 कुछ नहीं है इसमें। नहीं इतना एक्साइटमेंट अच्छा नहीं है। थर्ड गियर में 107 ऐसे गया लग रहा है कि मक्खन है। साउंड इसका है ना इतना प्यारा साउंड है, ये तो कुछ अलग लेवल का है। होगा ही सुपर बाइक है। ये विली हो जाएगा मुझे लग रहा है। थर्ड गियर में 131 है इसका। भाई खतरनाक बाइक है ब्रो। जो एक्सपीरियंस था मेरा वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब इतना एड्रेनलिन रश मुझे कब हुआ था पता नहीं है। इसका लुक्स कुछ ऐसा है सामने से। बीस्ट है ये, एक बीस्ट, टोटल बीस्ट देख ही सकते हो आप। मेरे तो हाथ कांपने लगे थे इतना स्पीड है इस बाइक का। चलो जो बाइक का ओरिजिनल ओनर है उससे ही पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा है बाइक को लेके। जीत अपने बाइक का कुछ फीडबैक दो। जी? अपने बाइक का कुछ फीडबैक दो। फीडबैक? हाँ। कैसे स्टार्ट करें? टायर से स्टार्ट करें? पहले तो हेलमेट खोलो फिर जहाँ से स्टार्ट करना है करो। टायर से स्टार्ट करते हैं। हाँ इंजन से स्टार्ट कर ले रहे। अच्छा इनलाइन 3 है। हाँ 80 bhp पावर है। 80 bhp और 64 न्यूटन मीटर स्टॉक है। 64 न्यूटन मीटर टॉर्क। 600cc का टूरिंग में सबसे ज़्यादा पावर यही जनरेट कर रहा है। उसके अलावा इसमें मिशलिन रोड 5 लगा हुआ है विच इज़ गुड फॉर रोड एंड रबल। अच्छा। बट जैसे सैंडी हल्का सा आ जाएगा ना। हाँ। तो इट टेंड्स टू थोड़ा सा स्लिप करता है वो। अच्छा पीछे का सस्पेंशन इज एडजस्टेबल, आगे वाला नहीं है बट आप चलाओगे ना तो आपको फील होगा कि आप जैसे जैसे सस्पेंशन पीछे का एडजस्ट करो आगे वाला थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि अकोमोडेट कर रहा है थोड़ा सा। अच्छा तो सस्पेंशन मेरे को फ्रंट वाला एटलीस्ट थोड़ा और मतलब अगर दे देता मतलब वही एडजस्टेबिलिटी दे देता तो अच्छा रहता। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो सबसे खराब चीज़ है वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस? अच्छा इसका तो अंडर बेली एग्जॉस्ट है ना। एक तो कम है प्लस अंडर बेली एग्जॉस्ट है तो बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। और सेकंड ख़राब जो है वो है इसका एक्सेसरीज आपको जल्दी नहीं मिलेगा। एक्सेसरीज नहीं मिलेगा इसका। सम्प गार्ड वगैरह तो आता नहीं है। ये क्रैश गार्ड जो है वो भी बनवाया हुआ है मैंने जो इसका। अच्छा कंपनी फिटेड वो अच्छा नहीं होता। बाद बाकी अगर अलग से बनवाओगे तो अच्छा। ऐसे ओवरऑल बाइक इज़ वेरी नाइस, वेरी ईजी टू हैंडल। ठीक है ना, वेट वगैरह बिल्कुल फील नहीं होता इसका। वेट कितना है इसका? 204 kgs। स्टांस दिखाने वाला है वो उसका बाइक का। बाइक का स्टांस भी बहुत अच्छा है। मेरे को एटलीस्ट जो थोड़ा शॉर्टर राइडर्स होगा हो सकता है उसको फील हो। आपको आपको पता होगा आपका हाइट थोड़ा समय से कम है वो पता चलेगा। ये एडजस्ट करो हाउएवर। अच्छा इसको एडजस्ट करके दिखाऊं ना? हां एडजस्ट करके दिखाओ। वही आ रहे थे। इसका क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं क्योंकि अभी देखो
ये फंस गया है। ओह अच्छा अच्छा। एंड ये हिलता इतना जो है ना, इस वजह से अंदर से इसका ये फंस गया है, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। अच्छा। तो एक बार ऊपर या एक बार नीचे आ जाए तो ऐसा नहीं है कि रास्ते में चल के नीचे आ जाए। अच्छा अच्छा। टेंड्स टू लॉक जहाँ पे भी। अभी इसको हम लास्ट जो हम सिलीगुड़ी राइड कर रहा था उसमें हम इसको उठा ही नहीं पाया। अच्छा अच्छा। ये फंस गया देख लो। हाँ। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मतलब मैनुअली करना पड़ता है। अच्छा। इसके अलावा अगर एक्सेसरीज में आ जाओ तो इसमें एक्सेसरीज में टिकट ग्रिप्स रहेगा, क्विक शिफ्टर है, पूरा ट्रैम कनेक्टिविटी है, उसके अलावा क्या है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है, राइड बाय नेविगेशन तो हो ही गया, मोटा मोटी यही सब चीज़ें। और पीछे में फिर बॉडी पैनियर से मिल जाएगा, इसके लिए अलग से, जैसे आपका बाइक में लगाया हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ। इसमें लगाने की जरूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी ये जगह पे वो इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड पैनियर से लग जाएगा। अच्छा अच्छा। और साथ में कंपनी इसका वो कॉम्पैक्ट का वो भी देता है, टॉप बॉक्स वगैरह भी देता है। अच्छा। ये वो टॉप बॉक्स घर पे है तुम्हारा? टॉप बॉक्स नहीं, अभी तक खरीदा नहीं है। अच्छा खरीदा नहीं। कितना प्राइस है टॉप बॉक्स का, प्राइस क्या है टॉप बॉक्स का, प्राइस क्या है उसका? टॉप बॉक्स का प्राइस आई थिंक इसका क्लोज टू 50,000। 50,000 पैनियर्स भी सेम 50,000 नहीं, कम है थोड़ा सा शायद, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, वो पैनियर्स का प्राइस 50,000। 50,000 पैनियर्स का। अच्छा ये इसमें क्या क्या फीचर है इसमें दिखाओगे? यहाँ पे तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बेसिकली आपको दो चार चीज दिख जाएगा, ये फ्यूल स्टेटस हो गया, इसके अलावा ये आपका ओडोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया सॉरी, ये ट्रिप वन ट्रिप टू है और यहीं से आप चेंज कर सकते हो इसको ट्रिप वन ट्रिप टू में। उसके अलावा मेन मेनू में आप जाओगे तो इसमें सारा बाइक का मोड्स है। राइडिंग मोड में दो मोड है, रेन एंड रोड। अच्छा। रेन में थोड़ा ट्रैक्शन कंट्रोल एंड जो एबीएस है ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा अच्छा। और ये क्या एबीएस तुम कंट्रोल कर सकते हो? अच्छा ऑन ऑफ। हाँ नहीं, ऑन ऑफ एबीएस नहीं कर सकते, ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते। अच्छा अच्छा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके ओके। बाइक सेटअप में वही, अभी ये सब ये तीन दिखा रहा है, अगर मान लो आप राइड बाय वायर सॉरी ट्रैम कनेक्टिविटी ले लेते हो तो वो ब्लूटूथ वाला दिखाने लग जाएगा, हीट ग्रिप्स का भी दिखाने लग जाएगा अगर लगवा लोगे तो, वो सारा चीज इसमें शो करता है। अगर आप ऑक्स लाइट वगैरह लगा रहे हो तो भी शो करना चाहिए यहाँ पे। और ये सर्विसिंग टाइम, इसमें सर्विसिंग टाइम वगैरह दिखा देता है कितना बचा हुआ। अच्छा। सर्विसिंग इसका 1 ईयर या फिर 16,000 किलोमीटर्स पे है, तो काफी बड़ा सर्विस। 16,000 किलोमीटर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब इनमें तो मेरा 3 सर्विसिंग आ जाएगा। सर्विसिंग कॉस्ट क्या है? देखो मेरा फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट मेरे को अराउंड 7,000 लगा था। अच्छा। ट्रैम का एक अच्छा चीज़ है अभी कि ये लोग रिमोट सर्विसिंग अवेलेबल करा देता है, तो उसको मिला जुला के मेरे को लग गया क्लोज टू 15,000। मतलब उन लोग का जाना आना सब कुछ आपको ही देना पड़ेगा। ओके ओके। यही है कि आपको बाइक फिर से वहाँ लेके जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये तो हो गया आपका मेन मेनू हो गया। उसके अलावा ये हो गया, ये आपका कूलेंट टेम्परेचर बताता है। अच्छा। ठीक है। ये आपका वही सर्विस इंटरवल है जो कि रीसेट हो जाएगा। ये क्या है ना, ये एक सेपरेट, अगर मान लो थोड़ा आप बाइक चला रहे हो ऐसे, अगर आप ध्यान देखोगे इसका गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे आता है, तो ये वही गियर पोजीशन इंडिकेटर है, थोड़ा फैंसी सा लगता है। अच्छा। हाँ हाँ। फर्स्ट न्यूट्रल सेकंड ये सब दिख रहा है। हाँ, वो सब चीज़ है, मोटा मोटी यही सब चीज़ है। और यहाँ पे बटन्स में ये वही सेलेक्ट बटन है। हाँ। नीचे में यहाँ पे देखोगे तो ये मोड का बटन है, यहाँ पे मोड का हाँ एम लिखा हुआ है, और ये इंडिकेटर्स है। ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह, ये क्या हैजार्ड है, इनबिल्ट हैजार्ड? हाँ, इनबिल्ट हैजार्ड इसमें है, और इग्निशन स्विच एक ही में दिया हुआ है। इग्निशन में एक चीज़ है, इसका वन स्टार्ट इग्निशन नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा अच्छा। इसका साउंड एक बार देखा, ये है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। और ये टायर का मेजरमेंट क्या है? टायर फ्रंट वाला है 120 बाई कितना याद नहीं मेरे को, पीछे वाला 120 बाई 17 है, पीछे वाला भी 180 बाई 17 है। अच्छा अच्छा अच्छा। टायर बहुत देखने में बहुत ही वाइड लग रहा है। रोड 5 मिशलिन का, अभी तो रोड 6 निकल गया, बट जब ये निकला था उस टाइम मिशलिन का ये टॉप ऑफ द लाइन था क्या? तो ये रहा बाइक का क्विक ओवरव्यू। ओवरऑल इसका ब्रेकिंग वगैरह वेट टैन इसमें बहुत अच्छा। हाँ बस इसका एक ही इशू है, वही सैंड वाला, एंड बाइक चलाने में बहुत सैंड में स्किट होता है ये। हाँ थोड़ा सा अगर सैंडी, क्योंकि ये वाला है ही नहीं, उसमें वो नॉबी टायर्स में जैसे कटता है ना। हाँ हाँ हाँ। इसमें ये पूरा पूरा क्या कहते हैं, रेन एंड रोड के लिए। हाँ हाँ हाँ। वो भी दिख भी रहा है वो।
तो ये था ओवरऑल ओवरव्यू बाइक का। कुछ तो मुस्कुरा रहा है, उसे भी खरीदना एक अच्छा सा बाइक। तो ये रहा ओवरऑल एक क्विक रिव्यू यूज़र का। अब बोलिए आप लोगों को कैसा लगा बाइक, आप रिकमेंड करते हो कि नहीं। मुझे तो इतना एड्रेनलिन रश बाइक चलाने में बहुत बहुत दिनों बाद आया, बहुत मज़ा आया, बहुत पावर है बाइक में। और चलिए वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं और मैं थोड़ा बहुत राइड करूँगा इस बाइक को। माय गॉड भाई 160 टच कर गया।